नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह कचहरी से लहुरा बीर के बीच तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करने बनारस पहुंचे थे। इस यात्रा को जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिली थी। तिरंगा संकल्प यात्रा का नेतृत्व करने के लिए वाराणसी पहुंचे आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद संजय सिंह को कमिश्नरेट पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गुरुवार सुबह भेल स्थित गणेशपुर तरना के पास एयरपोर्ट रोड पर पुलिस ने उन्हें रोका और हिरासत में ले लिया। इस दौरान वो पुलिस कर्मियों के साथ उलझते भी दिखे। वो बार बार उस आदेश के प्रति मांग रहे थे जिसके आधार पर उन्हें पुलिस ने रोका था। उन्होंने कहा कि वाराणसी में हर पार्टी रैली कर रही है, किसी को भी आने से नहीं रोका गया। मुझे किस कानून के तहत रोका जा रहा है? मैं कहां जा रहा हूं, किसी काम से आया हूं, इससे पुलिस को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप नेता संजय सिंह कचहरी से लहुरा बीर के बीच तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करने बनारस पहुंचे थे। हालांकि इस यात्रा को जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिली थी। बावजूद इसके संजय सिंह अपनी पार्टी के सदस्यों और कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा संकल्प यात्रा निकालने की तैयारी में जुटे थे। सुरक्षा कारणों से पुलिस ने संजय सिंह को हिरासत में ले लिया, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। इधर हिरासत में लिए जाने के बाद आप सांसद ने राज्यसभा के सभापति से गुहार लगाई। उन्होंने ट्वीट करके कहा, माननीय सभापति जी, मुझे गैर कानूनी ढंग से वाराणसी स्थितपुर में भारी पुलिस बल के साथ रोका गया है। मेरे साथ कोई भी घटना घटित हो सकती है, कृपया तत्काल हस्तक्षेप करें। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं वाराणसी में हूं। कल अरुण वाल्मीकि के परिवार से मिलकर पूरी रात यात्रा करके वाराणसी पहुंचा। यहां पर तिरंगा यात्रा थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तिरंगे से डर लगता है। आदित्यनाथ जी की सरकार को तिरंगे से डर लगता है। आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया जी के साथ जब आगरा में हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली थी, 524 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। तो इसलिए तिरंगा यात्रा क्यों विरोध कर रही है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि इनका इतिहास तिरंगे का विरोध कर रहा है। 52 साल तक RSS के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। तिरंगा भारत की आन बान और शान है। तिरंगे के खिलाफ जो लोग हैं उनका चेहरा आज बेनकाब हुआ है। उत्तर प्रदेश में हत्या करने की छूट है, डकैती करने की छूट है, किसी को घर में घुसकर मार देने की, पुलिस हिरासत में मार देने की छूट है, लेकिन तिरंगा यात्रा निकालने की छूट नहीं है। तिरंगे से इतना डरती क्यों है भारतीय जनता पार्टी? इसलिए मैं आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं, तिरंगा भारत की आन बान और शान है, और इस तिरंगे को फहराने से, इस तिरंगे को हाथ में लेकर चलने से हमें कोई रोक नहीं सकता। और जितनी बार भी ये रोकने का प्रयास करेंगे, इनका काला चेहरा पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता के सामने आएगा। जय हिंद, इंकला जिंदा। We'll be right back.